पूछूंगा मैं इस साल नीलेश भाई क्या एक्सपेक्ट करें, इक्विटी से कितने रिटर्न्स मिल जाएं तो अच्छी बात होगी। एक साल के व्यू से इक्विटी में निवेश मत करिए, व्यू तो 3 से 5 साल का रखिए। 3 से 5 साल में। दूसरा एक चीज याद रखिए कि जब महंगाई ज्यादा है तो नॉमिनल रिटर्न ज्यादा रहेगा, महंगाई कम रहेगी तो नॉमिनल रिटर्न कम हो जाएगा। तीसरा आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। पिछला साल ऐसा था जहाँ घोड़े और गधे दोनों दौड़े और गधों ने घोड़ों को आउट परफॉर्म किया, इस साल घोड़े दौड़ेंगे गधे नहीं दौड़ेंगे, तो सोच समझ के निवेश करें। गधे गिर भी सकते हैं इस साल, ये पॉसिबल है। नरेंद्र भाई आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस साल, कितना रिटर्न एक साल में नहीं चले 3 से 5 साल में इक्विटी से कितना रिटर्न? क्या बोलते हैं एसेट एलोकेशन करो, और एसआईपी जो लोग कर रहे हैं आज शुरू कर रहे हैं एसआईपी, वो लोग 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहिए। 2-3 साल के लिए एसआईपी करने में आज जो लोग शुरू किया है वो 3 साल एसआईपी यूजफुल नहीं रहेगा, 10 साल एसआईपी करना है। 10 साल एसआईपी करने के लिए तैयार नहीं है तो एसेट एलोकेशन करना बेटर है, वही हम बोलते हैं। हम अगला साल भी हम नहीं सोच रहा था कि 30% स्मॉल एंड मिड कैप में रिटर्न आएगा, मुझे नहीं उतना ऊपर जाएगा मैं नहीं सोच रहा था, इसलिए ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन कभी भी ठीक नहीं जाता है भाई। लेकिन क्या इक्विटी फिर भी बेस्ट एसेट क्लास रहेगी क्या फिक्स डिपॉजिट को बीट करेगी? आई थिंक फिक्स इनकम में भी ब्याज की दरें अगर पीक पर हैं और आरबीआई ने अपना स्टैंस न्यूट्रल कर दिया है, और भारत में अगर ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स देखें तो ब्याज की दरें थोड़ी नीचे हो सकती है साल भर के बाद, पर अगर 7% के आसपास अगर ब्याज की दरें हैं और इक्विटी में आपको 10-12% के रिटर्न मिलते हैं तो आपको 4-5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, और भारत में अगर मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करके अगर 4% का इन्फ्लेशन रखते हैं तो 10-12% तो बहुत अच्छा रिटर्न हो जाता है, 7-8% इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न हो गया। चलिए तो कंसेंसस यही है कि अब अपने रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मॉडरेट करिए, थोड़ा क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहिए, और पिछले 3-4 साल में जो एक वन वे आपने तेजी देखी है जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू करें, स्पेशली कुछ छोटे स्टॉक्स में। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही उम्मीद करूंगा कि संवत आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। तो इस खास कवरेज में इतना ही, एनएससी से आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।